तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेवी टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं इसको ओला स्कूटर को पानी में टेस्ट करने वाला हूँ और इसकी बैटरी को भी पूरी डुबोने वाला हूँ। फ्रेंड्स देखेंगे इसमें कि अगर ये मेरी गाड़ी पानी में चलती है या बंद होती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी गाड़ी को लिए हुए 4 महीने हो चुके हैं और इसके ब्रेक शू थोड़े घिस चुके हैं और मेरी गाड़ी चल चुकी है 10,400 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स देखते हैं ये पानी में चल पाती है या नहीं चल पाती। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इसकी वीडियो बनाने में। तो दोस्तों अब मैं निकल चुका हूँ बारिश में और आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी तेज़ पड़ रही है, बट मैं थोड़ा और वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी और तेज़ पड़े और थोड़ा पानी भरे जिसमें कि मुझे गाड़ी चलाने में मज़ा आए। तो पानी भर चुका है काफ़ी और आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी भर चुका है और पानी इतना भर चुका है कि मेरी गाड़ी जब भी पानी मेरे गाड़ी के पास आता है तो मेरी गाड़ी बहक जाती है। और आप फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ टायर भी डूब रहे हैं गाड़ियों के और चारों तरफ पानी ही पानी है। फ्रेंड्स पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है जिसकी वजह से मैं अपने जूते और जुराब दोनों निकाल चुका हूँ क्योंकि पानी इतना भर चुका था, वो मेरे जूतों और जुराब में भर चुका था। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरी जो ओला स्कूटर है वो पूरा ही डूब चुका है, पूरी बैटरी भी इसकी पानी से डूब चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पानी ही पानी है, पूरे रोड पर पानी ही भर चुका है। बस दोस्तों मुझे ये दिक्कत लग रही है कि मेरी गाड़ी बंद ना हो जाए। अगर मेरी गाड़ी अगर यहाँ रास्ते बंद हो गई तो यहाँ पर कोई ओला का सर्विस करने वाला बंदा भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पानी इतना भरा हुआ है, क्योंकि अगर वो आएगा तो उसकी भी गाड़ी पूरी डूब जाएगी। तो दोस्तों बड़ा ही रिस्क लेके मैंने अपनी गाड़ी पानी में उतारी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब गाड़ी में चला रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि गाड़ी मेरी चल रही है, अभी बंद बिल्कुल भी नहीं हुई है और पानी में बराबर चल रही है। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रा सा भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी गाड़ी पानी में चल रही है और बिल्कुल इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरी गाड़ी पानी में चल रही है या कहाँ चल रही है। और मुझे डर था कि ये गाड़ी कहीं बंद ना हो जाए, बट ये गाड़ी बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं यहाँ पर गुरुग्राम के हरियाणा में ये गाड़ी चला रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ मौसम इतना बेकार है, पल पल पे यहाँ पर बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है क्योंकि थोड़ी सी बरसात में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, फ्लाईओवर या अंडरपास भी पानी से काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। तो दोस्तों फाइनली मेरी गाड़ी बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है और मेरी गाड़ी एकदम बराबर चल रही है, कोई भी दिक्कत पे परेशानी नहीं आई। तो दोस्तों मैंने कर दिया है गुरुग्राम पार और अब मैं निकल चुका हूँ हरियाणा के DLF सिटी में। और जो कि यहाँ पर पानी पड़ा तो है बट इतना नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स आप देख चुके हैं कि ओला पानी में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, मुझे लगा था कि ये ज़रा सी थोड़ी सी बंद हो जाएगी बट ये बिल्कुल भी बंद नहीं हुई और बराबर चली और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पानी में गाड़ी पहली बार चला रहा हूं, मैंने इससे पहले भी काफ़ी गाड़ी देखी थी कि कुछ लोगों ने कहा था कि ये पानी में बंद हो जाती है या नहीं चलती या इसकी बैटरी बिल्कुल भी काम नहीं करती, बट फ्रेंड्स आप लाइव देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, ये बराबर गाड़ी चल रही है और इतनी सी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर ज़रा सा भी वीडियो या पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो कर पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।